हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, नैनीताल से आपका स्वागत है। तो आज एक बड़ा ही ख़ास काम है जिसके लिए मैं जा रही हूँ भवाली की तरफ, और आपको भी लेके चलती हूँ। तो काम क्या है ये बताती हूँ थोड़ी देर में, तो पहले यहाँ से निकलते हैं। तो भवाली जाने से पहले हम आए हैं रक्षित के पास, क्योंकि आजकल होली के दिन हैं, तो होली हमारे रक्षित के बिना अधूरी हो जाती है। तो देखिए, रक्षित हमारे बड़े ही मजे हुए कलाकार हैं होली के, और साथ में इनका है जलेबा भंडार, और वो भी बहुत ही फेमस। तो जलेबियाँ इन्होंने ढकी हुई है। रक्षित, जलेबी दिखा दो यार, ना इंसाफी मत करो। तो ये हैं देखिए, गर्मा गर्म जलेबियाँ रक्षित की फेमस। और रक्षित, आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं? बहुत ही लाल मुंह हो रहा है आपका भी। नमस्कार नमस्कार। मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ये है कि जैसे प्लेन्स में सभी को पता है कि होली का दिन 24 तारीख को है और 25 को होली है करके सभी को पता है। जी, छुट्टी 25 की है। लेकिन यहाँ जो कुमाऊं वाले रीजन में है, कुमाऊं वाले एरिया में, चाहे वो नैनीताल का हो, अल्मोड़ा का हो, आधा हल्द्वानी में भी ऐसा होता है, नैनीताल अल्मोड़ा आधा हल्द्वानी, और ये जितनी बागेश्वर फागेश्वर जो भी जो कुमाऊं वाले एरिया में कहलाता है, वहाँ जो मेन होली है छलड़ी 25 को ना होके 26 को मनाई जाएगी। यहाँ नैनीताल में मैं इसके वजह से बता रहा हूँ, ताकि मैं इस चक्कर में ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता, बहुत टूरिस्ट लोगों को दिक्कत होगी, सबको दिक्कत होगी। हाँ। क्योंकि वो अपनी होली करके आ जाएंगे, लेकिन यहाँ दूसरे दिन 26 तारीख को यहाँ छलड़ी है, उस दिन होली मेन होली हम खेलेंगे यहाँ कुमाऊं के लोग। बिल्कुल। तो उस वजह से टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो, बाहर वालों को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं इस ब्लॉग के माध्यम, ये यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 26 तारीख को है नैनीताल में छलड़ी होगी, होली होगी यहाँ, छलड़ी होगी 26 तारीख को 12, और फिर 12 एक दो बजे बाद ही फिर दुकानें भी खुलेंगी, तो रेस्टोरेंट वगैरह तो खुल जाएंगे, लेकिन उस दिन ज्यादातर कम ही दुकानें खुलेगी, क्योंकि उस दिन लगभग ज्यादातर बंद रहेगा रेस्टोरेंट वगैरह। मतलब ये कि टूरिस्ट को दिक्कत ना हो 12 बजे मतलब आपको इस वजह से इसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों की दिक्कत ना हो। छब्बीस आप वहाँ होली मना के और यहाँ आपको बंद नहीं दिखे, हाँ, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इस चक्कर में मैं तो आप मेंटली प्रिपेयर हो गया हो कि यहाँ 26 तारीख को होली है। हाँ, मेंटली प्रिपेयर, यहाँ का 26 तारीख को होली है, ये आप सबको ज्ञात होना चाहिए। बिल्कुल। यूट्यूब के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच रक्षित। और इसी के साथ एक होली भी सुना दो यार लोगों को, क्योंकि वो तो तुम्हारी बड़ी फेमस है। थोड़ी सी सुना दो। अब गावो सुहागिन होली, गावो सुहागिन होली, गावो सुहागिन होली, गावो सुहागिन होली, अब गावो सुहागिन होली, बरस की घड़ी घड़ियाल बेली, बरस की घड़ी घड़ियाल बेली रे, अब गाओ सुहागिन होली, गाओ सुहागिन होली। मैं एक दो लाइन और बताता हूँ इसके आगे की, क्योंकि इसमें इतनी प्यारी लाइन है, फिर आप तो ये जो होली है ये हमारी कुमाऊनी क्लासिकल बैठी की होली है, राग काफी पे है ये। ओके। ये रागों पर आधारित वाली होली है। हाँ, क्लासिक। इसके बाद इसमें दो शब्द हैं बहुत प्यारे हैं, मतलब उससे रिलेटेड है, ये रंग से रिलेटेड। अब आएगी लाइन, अबीर गुलाल गुलाल उड़त खुशियों यो का, हाँ अब घर आगन आगन रंग रेली, घर आगन आगन रंग रे रेली, हाँ
अभी रे गुलाल गुलाल उड़त खुशियों यो का हाँ घर आगन आगन रंग रे रे ली हाँ घर रे ली हाँ। उसके बाद और प्यारी लाइनें में अब मांग भरो तुम होली के रंग रंग सो हाँ मांग भरो तुम होली के रंग सो मलो मुख प्रभु के रोली मलो मुख प्रभु की रोली मलो आले बैली वरस की घड़ी आले बैली रे गाओ सुहा गिन होली गाओ सुहा गिन आले बैली रे अब गाओ सुहा गिन होली सुहागिन होली सुहागिन होली। और बहुत ही बढ़िया यहाँ कल से 17 राम सेवक सभा के द्वारा यहाँ महिला होली का आयोजन हुआ है। महिला होली का है गोजा महिला होली का आयोजन है यहाँ 17 तारीख से महिला और बैठे की होली होगी। पहले सब सामूहिक होली होगी मतलब सब लोग गाएंगे महिला महिला होली भी होती है यहाँ पुरुषों की बैठे की होली जो आपने मैंने सुना है पुरुषों की बैठे की होली मतलब क्योंकि होली का रागों पर आधारित और एक खड़ी राम सेवक सभा में महिला बैठे की होली होगी। उसके बाद परसों 18 और 19 को कॉम्पिटिशन है महिला होली दल का हल्द्वानी जिसमें हल्द्वानी रामनगर और ये यहाँ नैनीताल भवाली गाँव के जो है वह कॉम्पिटिशन में आएंगे 18 और 19 को। बाकी 18 को तो महिला जुलूस भी है 18 को जुलूस भी है 11 बजे से उसके बाद 2 बजे से यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट होगा और 20 को तीर बंधन है रंग धारण तीर बंधन है 1-20 पे उसके बाद 24 को है 24 को तो जुलूस है तो 24 को जुलूस भी है होली का जुलूस भी है शाम को बैठ के बच्चों का स्वांग और होली का जुलूस भी है। जुलूस क्या वैसे जुलूस तो शब्द नहीं कहना चाहिए क्योंकि जुलूस शब्द अच्छा नहीं है ये शोभा यात्रा कह सकते हैं शोभा यात्रा हाँ। और उसके बाद 24 को शाम को यहाँ पुरुषों की जो मेरे जो ये राग जो आपको होली सुनाई है पुरुषों को रागो रागों पर आधारित वाली बैठे की होली होगी। उसके बाद रात में 11:30 या 9 बजे का ये चीज होली का दहन होगा। 25 को यहाँ गैप है 25 को होली नहीं है 26 को होली है और 20 तारीख से युग मंच का भी होली महोत्सव बस वो सब कवर करना है वो 20 इसमें आप सभी देखेंगे 20 मार्च से फिर युग मंच का भी होगा उस दिन उनका 2 बजे वहाँ से जुलूस 1:30-2 बजे वहाँ से जुलूस उनका वो निकलता है सुबह आता है उनकी ये आपका मंदिर से उसके बाद यहाँ पर खड़ी होली वो लोग करेंगे बाहर के चंपावत और वहाँ के आएंगे यहाँ करेंगे। और 22 तारीख को न्यू क्लब में है बैठे की होली 6 बजे से तो ये सारी होली में रक्षित को देखने को मिले। और 23 तारीख को फिर 7 नंबर में भी है बैठे की होली राम सेवक सभा में 24 को फिर यहाँ राम सेवक सभा में है बैठे की होली और छलड़ी यहाँ 26 को है 27 को टीका है लास्ट फिर पूरी तरह होली का ये समापन हो जाएगा बिल्कुल तब ये संपन्न हो जाएगा खड़ी होली वाले भी आएंगे फिर। चलो थैंक यू सो मच रक्षित वेलकम। रक्षित का इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया काफ़ी लंबे गाने उसने सुना दिए हैं तो चलिए कोई बात नहीं अच्छी बात है कुमाऊनी क्लासिकल होली है वो हमारी तो अभी चलते हैं फटाफट अब भवाली की ओर। तो नैनीताल में देखिए शनिवार की भीड़ होने लगी है जाम लगने लगा है शनिवार और रविवार आते ही यहाँ पे ऐसे जाम लग जाते हैं जैसे ही थोड़ा बहुत सीज़न होने लगता है थोड़ा बहुत टूरिस्ट आने लगते हैं तो ऐसे ही भीड़ भाड़ हो जाती है। तो आज तो ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है ये देखिए जाम ही जाम जैसा स्थिति है और सामने भी पंतबाग की तरफ भी काफ़ी भीड़ है तो आज सैटरडे तो भीड़ होना बनती है तो
चलिए अभी निकलते हैं बस भवाली की तरफ, लेट भी हो गए हैं। तो ये पहुंच चुके हैं हम भवाली शहर में, और भवाली में आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ व्यवस्था है गाड़ियों की। भवाली में लगा है जबरदस्त जाम। तो हम आए हैं भवाली में होली के प्रोग्राम में, जो कि है जीवन वर्षा कला संगम समिति का। तो ये इनका एनजीओ है जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, और अभी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है प्रोग्राम इनका। महिला दिवस के अवसर पर इन्होंने कुछ महिलाओं को सम्मानित किया था, और कुछ बाकी थे तो उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस अवसर पर इन्होंने मुझे भी सम्मानित किया था, तो उसकी कुछ झलकियां हैं ये। कार्यक्रम निपटा के वापस नैनीताल पहुंच चुके हैं। तो ये है मॉल रोड का खूबसूरत सा नज़ारा, पर इस टाइम ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो नैनीताल वापसी कर ली है, लेकिन यहाँ पे मौसम एकदम से चेंज रहे, आज थोड़ा सा बादल हो गए हैं तो ठंडा बढ़ गया है, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो मैं हूँ अभी स्टेट बैंक के बिल्कुल सामने, तो अब भवाली से आते टाइम ठंडा इतना लग गया है कि अब घर जाने में फ़ायदा लग रहा है मुझे, तो मैं चलती हूँ घर की तरफ। तो चलिए दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और आज का वीडियो कर देते हैं एंड। तो आज का वीडियो हमारा होली को ही समर्पित था, तो बिल्कुल होली होली वाला वीडियो है, और अब आगे आने वाले वीडियोज़ बहुत सारे होली से ही रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि नैनीताल में होली की धूम शुरू हो चुकी है और सब जगह होली का माहौल है। नैनीताल की होली बहुत अच्छी होती है, हालांकि इस साल होली थोड़ा सा मैं मन से नहीं ही करने वाली हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है होली में, लेकिन क्या करें, जैसा माहौल है वैसे खुद को ढालना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल आज के वीडियो को करते हैं एंड, और एंड करने से पहले यही बोलूँगी कि कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में डालिए, इधर उधर ना फैलाइए, जहाँ तक डस्टबिन ना मिले वहाँ तक अपना कूड़ा अपने साथ कैरी कीजिए, लेकिन इधर उधर कूड़ा मत कीजिए। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो एंड, और मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।